नमस्ते, स्वागत है आपका स्मार्ट कीड़ा की इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज की बेसिक डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास पांच लोग हैं जिनके पास कुछ नंबर ऑफ ग्रीन बॉक्सेस हैं। ए के पास 7, बी के पास 5, सी के पास 9, डी के पास 6 और ई के पास 13। टोटल अगर देखा जाए तो 40 ग्रीन बॉक्सेस हैं जो पांच पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि सारे ग्रीन बॉक्सेस इन पांचों में इक्वली डिवाइड कर दिए जाएं, तो उसके लिए हम 40/5 करेंगे और हर किसी के पास आ जाएंगे 8 बॉक्सेस। यानी कि ये टोटल ग्रीन बॉक्सेस अगर हर किसी को बराबर दे दिए जाएं, तो हर किसी के पास हो जाएंगे 8 बॉक्सेस और इसी को एवरेज कहा जाता है। इन शॉर्ट, अगर कोई भी क्वांटिटी कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइडेड है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हर किसी के पास बराबर क्वांटिटी होगी इंडिविजुअली, उसे एवरेज कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने अभी देखा, और अगर इस पूरी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा किए बिना बस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो हर किसी के पास 8 बॉक्स आ जाएंगे। यहाँ पर एक ज़रूरी बात जो आगे हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी, यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल क्वांटिटीज एवरेज से कम है जैसे कि ए, बी और डी, और कुछ क्वांटिटीज जैसे कि सी और ई एवरेज से ज़्यादा हैं। तो जितना कम है उसको हम ऑरेंज से प्लॉट कर देते हैं और जितना ज़्यादा है उसको हम पिंक से प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी बाद में जाके सब बराबर हो जा रहे हैं, इसका मतलब जो कम था वो ज़्यादा हो गया और जो ज़्यादा था वो कम होकर एवरेज के बराबर हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे? क्वांटिटी कम, टोटल क्वांटिटी कम या ज़्यादा नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूशन इवन हुआ है। इसका मतलब जो ज़्यादा था उसको यूज किया गया है कम को फिलअप करने के लिए। ये 3 को यहां फिलअप किया गया और इन 2 को यहां फिलअप किया गया, इस तरीके से ये क्वांटिटी एवरेज के बराबर हो गई और ये 3 भी एवरेज के बराबर हो गई। कोई भी क्वांटिटी एवरेज के कंपैरिजन में कितना ज्यादा या कितना कम होती है उसे कहा जाता है डेविएशन। अगर कोई क्वांटिटी एवरेज से कम है तो उसे नेगेटिव डेविएशन कहा जाता है, और अगर कोई क्वांटिटी एवरेज से ज़्यादा है तो उसे पॉजिटिव डेविएशन कहा जाता है। यहाँ पर हम नेगेटिव डेविएशन को ऑरेंज से डिनोट करते हैं और पॉजिटिव डेविएशन को पिंक से। यहाँ पर हम देखते हैं, ये है -1, यानी कि ये एवरेज से -1 डेविएट करता है। ये -3, ये +1, ये -2 और ये +5। अगर टोटल कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि +6 का डेविएशन है एवरेज से और एक -6 का डेविएशन है एवरेज से, यानी कि टोटल डेविएशन 0 है। डेविएशन यानी भटकना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इंडिविजुअल क्वांटिटीज एवरेज से जितना ज्यादा है टोटल वो +6 है, और इंडिविजुअल क्वांटिटीज एवरेज से कितना कम है वो -6 है। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन बराबर है, इसका मतलब एवरेज से जितना इंडिविजुअल क्वांटिटी कम है उतनी ही ज़्यादा है, तो इसको हम बैलेंस कर सकते हैं और सारी क्वांटिटीज फाइनली एवरेज के बराबर आ जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एवरेज की, जिसे हम आगे भी यूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इसका यूज़ आ सकता है और इससे क्वेश्चन आपको समझ में भी ज़्यादा आएंगे, कैलकुलेशन भी ईजी होगी और बहुत से क्वेश्चंस को आसानी से किया भी जा सकेगा। हम देखते हैं किस तरीके से एवरेज को अज्यूम करके कैलकुलेट किया जाता है, और यहां पर हम डेविएशन का पहला यूज करेंगे। ये वही डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने शुरुआत में देखा था। यहां पर हमने एवरेज अज्यूम कर लिया 11। अगर एवरेज 11 है, इसका मतलब अगर इस क्वांटिटी को सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो हर किसी के पास 11 बॉक्सेस हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा है। ये क्वांटिटी फिल करने के लिए हमारे पास एवरेज से ज़्यादा क्वांटिटी तो है ही नहीं, तो हम पहले तो नेगेटिव डेविएशन को डिनोट करते हैं ऑरेंज से और पॉजिटिव डेविएशन को पिंक से। अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये -4, -6, -2, -5 और ये +2। +2 और -2 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, लेकिन -6, 4 और 5 -15 का नेगेटिव डेविएशन देते हैं जो कि बैलेंस नहीं हो सकता।
इस नेगेटिव डेविएशन को हम बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 पार्ट्स में, यानी कि जो हमने ओरिजिनल एवरेज माना है, जो हमने एवरेज अज्यूम किया है, उसमें अगर हर किसी में 3 पार्ट्स कम कर दिए जाएं, यानी कि ये जो 15 पार्ट्स बच गए इनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो फिर हमारे पास हमारा ओरिजिनल एवरेज आ जाएगा जो कि होगा 8। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक कम एवरेज अज्यूम करते हैं, यानी कि 6 अज्यूम करते हैं, तो पहले हम नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन को प्लॉट करेंगे। यहाँ पर पिंक हमारी पॉजिटिव डेविएशन है और ऑरेंज हमारी नेगेटिव डेविएशन है। ये -1, +1, +3, +7 और यहाँ पर 0 डेविएशन, क्योंकि ये एवरेज के बराबर है। -1 और +1 एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा बॉक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों एवरेज के बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो +10 की डेविएशन है, ये एवरेज के एक्स्ट्रा है। एवरेज तो यहीं पे मीट हो जाएगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बॉक्सेस बचेंगे और हम इनको भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे हर किसी के पास +2 का एक्स्ट्रा बॉक्स आ जाएगा और उसकी वजह से हमारा एवरेज 2 से इंक्रीज हो जाएगा और हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 8। इसी तरीके से हम एज्यूम करके भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने एवरेज की बेसिक डेफिनेशन, डेविएशन का कॉन्सेप्ट और एज्यूम करके ओरिजिनल एवरेज कैलकुलेट करना जो सीखा, उसको यूज करते हुए अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हो सके। यहाँ पर हमें कहा गया है 4 friends have rupees 7, 5, 10 and 6 with them. If total money is distributed evenly among them, what will be the amount with each of them? यानी कि 4 दोस्त हैं जिनके पास 7, 5, 10 और 6 रुपीज हैं, जो कि हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरीके से करेंगे नहीं, हम यहाँ पर करेंगे एवरेज अज्यूम करके। हमने यहाँ पर 8 अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी अज्यूम करते हैं, हमने यहाँ पर 8 अज्यूम किया। अब नेगेटिव डेविएशन को हम यहाँ पर ऑरेंज से प्लॉट कर देते हैं और पॉजिटिव डेविएशन जो है हमारी उसको ग्रीन ही रहने देते हैं। +2 की पॉजिटिव डेविएशन, -2 की नेगेटिव डेविएशन, -3, -1 की नेगेटिव डेविएशन। +2 और -2 एक दूसरे को बैलेंस करता है, ये जो कमी है ये इन दो बॉक्सेस से फिलअप हो जाएगी, इन दोनों को यहाँ शिफ्ट करने पे ये दोनों एवरेज के अज्यूम्ड एवरेज के बराबर हो जाएंगे। लेकिन जो -4 की डेविएशन है वो कैसे बैलेंस होगी? उस डेविएशन को 4 पार्ट्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जो कि होगी -1, यानी कि जो एवरेज अज्यूम किया है उसे उसमें -1 करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ओरिजिनल एवरेज आएगा। और यहां पर से हम देख सकते हैं ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखेंगे, यहां पर हम एवरेज से इंडिविजुअल क्वांटिटीज को कंपेयर करके देख सकते हैं, ये 0 डेविएशन, -2 डेविएशन, +3 डेविएशन और -1 डेविएशन, -1, -2 और +3, टोटल डेविएशन हो गया 0। इसी तरीके से हम, तो हमने देखा किस तरीके से हम डेविएशन का यूज करते हुए एवरेज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेविएशन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे भी यूज़ करेंगे। आपको एवरेज का पहला वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। धन्यवाद।